तो बीते कई दिनों से हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी के द्वारा 13 चौराहों में चौड़ीकरण करने के दौरान बड़ी संख्या में चौड़ीकरण की जद में आ रहे बड़े और सालों पुराने पेड़ों को काटने के कारण पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय जनता की नाराजगी झेल रहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और प्रशासन की कोशिश के बाद 40 चिन्हित बड़े और पुराने पाखड़ के और नीम के पेड़ों को रिलोकेट की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हल्द्वानी की जनता के लिए खुशी की बात यह है कि प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की ये कोशिश सफल हुई है, जिसमें हल्द्वानी के कुछ दूर हल्दू चौड़ में बन रही गौशाला में जमीन में निर्जीव हो चुके सालों पुराने जिस पेड़ को पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के प्रयास से ट्रांसप्लांट किया गया था, वो निर्जीव पेड़ फिर से पुनर्जीवित हो चुका है, जिसमें हरी पत्तियां भी निकलना भी शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की पेड़ों के पुनर्जीवित होने की उम्मीद और भी पक्की हुई है। वही पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने इसको लेकर आने वाले समय में कटे पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। खास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़, जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई कि इन सभी 13 चौराहों पर जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के पेड़ हों उनको चिन्हित कर लिया जाए। और इस बीच में हमारी प्रोसेस चली रही थी कि एक पेड़ जो 100 साल पुराना पेड़ बताते थे नरीमन चौराहे में, वो अचानक गिर पड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको भी तत्काल ट्रांसप्लांट के लिए हल्दू चौड़ जो गौशाला में लैंड थी वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया है। और खुशखबरी यह है कि वो इस समय जीवित है और उसमें पत्तियाँ, उसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। और जो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस है वो हमने करीब 15-20 पेड़ों में स्टार्ट कर दी है। इसको विभिन्न स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले इसमें लॉपिंग करते हैं, जो भी ब्रांचेस टहनियाँ हैं उनको कटाया जाता है। और उसमें फिर एक फंगीसाइड का लेपन होता है और सीलेंट लगाया जाता है ताकि नमी और पानी का कोई असर ना हो। इसके अलावा उसकी जड़ में डी रूटिंग के लिए वहाँ 1.5 मीटर की परिधि में मिट्टी को हटाया जाता है और एक फ्रेश मिट्टी जिसमें विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स भी होते हैं वो डाला जाता है और उससे रूट, उनकी नई रूट निकलनी शुरू हो जाती है और जो पुरानी रूट है उनको काट दिया जाता है। और ये करीब 1.5 से 2 महीने, 3 महीने करीब ये प्रोसेस चलती है।